और खेल एक ऐसी जगह है जो सब प्रकार के भेदों को मिटा देता है। क्लासरूम में भेद नहीं मिट सकता, लेकिन खेल के मैदान में भेद मिट सकता है। न जाति पहचानी जाती है, न धन दौलत पहचानी जाती है, केवल और केवल उसकी काबिलियत पहचानी जाती है। तो वास्तव में कुछ और हम लोग कैसे आगे बढ़े ताकि हमारे बच्चों में सामूहिकता के भाव भी आए और लक्ष्य बना करके उस लक्ष्य को प्राप्त करने का भी जिद पैदा हो। खेल जो है ना वो हमें विजय की ओर बढ़ाने का उत्साह पैदा करता है कि मुझे उस टारगेट को अचीव करना है, ये खेल ही सिखाता है। तो मैं सोचता हूँ ये व्यक्ति के मन में जिंदगी में अगर कोई टारगेट तय करे कि मुझे उस ऊंचाई तक जाना है, फिर उसके लिए अगर मेहनत करे, परिश्रम करे, लगन के साथ आगे बढ़े, तो मनुष्य का ये जो शरीर है भगवान ने ऐसा बनाया है कि जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। केवल लक्ष्य भी तय हो और लक्ष्य के पीछे जीवन का समर्पण और उसके पीछे लगने का उसका मन हो, असंभव को संभव करने की इस मशीन में ताकत भगवान ने दी है। मैं सोचता हूँ उसका उपयोग हम कैसे करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे, उसके लिए सारे अधिकारी भी यहाँ हैं। इस यूनिवर्सिटी की कई जगह समस्याएं हैं, इसी साहब भी यहाँ हैं, बाकी सब लोग हैं। हम मिल करके आज तो हम आपके दरवाजे पर आए हैं, क्या हमारी मदद करो तो हमारी यूनिवर्सिटी अगले सत्र में शुरू हो सके। धन्यवाद। Thank you. Good afternoon and warm welcome to all of you. It is indeed a pleasure and honor to have the distinguished presence of our esteemed Governor, His Excellency Sri Vilayat Sankaracharya, here at ACC College today. On behalf of the entire college community, I extend a heartfelt welcome to the Governor and express our gratitude for blessing us with His esteemed presence. We are honored that you have taken the line of our busy schedule to visit our college and witness firsthand the continuing work happening in our institution. ACC College has always been committed to providing quality education, fostering an environment that nurtures excellence, innovations, and holistic